केशकाल विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हरिशंकर नेताम जी हमारे साथ मौजूद हैं। केशकाल की विधानसभा के लिए आपके पास क्या क्या योजनाएं हैं? केशकाल विधानसभा के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और 15 साल के शासन में कार्यकाल में जनहित में जितने भी बड़े जो मुद्दे थे, विकास के मुद्दे थे, उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सभी जो बड़े बड़े मुद्दे थे जनहित में, उन सभी मुद्दों का यहाँ पे हल हो चुका है और हमारे पास विकास ही मुद्दा है और विकास को लेकर के ही हम आम पब्लिक के बीच में जाएंगे। और पिछले 60-70 साल में जो कांग्रेस का कुशासन था, उस समय यहाँ पर विकास के नाम से बस्तर को एक अलग पहचान, जो पूरे देश भर में अलग बस्तर के नाम से जाना पहचाना जाता था, आज वो बस्तर में रौनकता है, सुख है, शांति है, भौतिकता है, संपदाएं हैं और यहाँ का जनजीवन काफ़ी ऊपर उठ करके यहाँ पर शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। ऐसा हमारा बस्तर है जो प्रकृति की गोद में बसता है और यहाँ पे विकास के दृष्टि से देखा जाए तो केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले 15 सालों से डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुआ है वो ऐतिहासिक है। इतना विकास कार्य आज तक ने हम लोगों ने कभी देखा नहीं था। सब ओर चाहो और समग्र विकास ही विकास हुआ है, ऐसा मुझे हम आप सबके सामने विकास दिखता है। बस्तर के आदिवासी ना मीडिया के सामने खुल करके आके अपनी बातें रखते हैं, ना ही कभी कुछ, लेकिन जब आप बस्तर की उन आदिवासियों के बीच जाते हैं, रमन सिंह जी की योजनाओं को लेकर के उनका क्या कहना होता है? बस्तर के जनजाति समाज का समग्र विकास हुआ है। शासन की जनहित में जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं, पिछले 70 सालों में कांग्रेस के कुशासन काल में ये योजनाओं को लोग धरातल पर उतारने में नाकाम रहे, लेकिन 15 साल के शासन में कार्यकाल में जनहित में जितनी भी शासन की मूलभूत सुविधाएं जो जनजीवन को ऊंचा स्तर उठाने में हमारे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, शासन की सभी योजनाएं धरातल पर लागू हुई हैं। पहले धरातल पर कम, बड़े बड़े कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनके जेब या उनके घर परिवार तक की योजनाएं रह जाती थी। आज बस्तर का प्रत्येक जनजाति समाज, यहाँ का रहवासी निवासी, हर वर्ग समुदाय के लोग शासन की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और काफ़ी जागरूकता आ गई है, सामाजिक जागरण हुआ है, जिसका परिणाम है कि आज बस्तर का जो तस्वीर जो है ना बदल गया है और हर एक योजनाओं का लाभ यहाँ के लोग उसका लाभ ले रहे हैं। 2013 का जनादेश बस्तर में भाजपा के विरुद्ध था, क्या आपको लगता है 2018 में वो जनादेश आपके पक्ष में होगा? 2013 भले ही बस्तर संभाग की सीटों में कमी आई है, लेकिन इस बार बस्तर संभाग की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में पड़ेगी और हम सब बस्तर के लगभग समस्त सीटों में अपना वर्चस्व कायम स्थापित करेंगे और छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का जो लक्ष्य है 65+, उस टारगेट को पूरा करने के लिए पूरे बस्तर का जो समाज है, यहाँ का जो समुदाय है वो लालायित है और चूंकि विकास हमारा मुद्दा है और विकास हमारे लोगों के सामने है, हमारे आँखों के सामने है। दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में जहाँ विद्युत की व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, पुल पुलिया सड़कों की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ आज सीसी रोड है, सड़कें बन गई और ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुद्दा है। जनता के सामने हम लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और 65+ का टारगेट को पूरा करने में बस्तर की सभी सीटों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। केशकाल से यदि आपको विजय प्राप्त होती है तो आप बस्तर के लिए, आपकी विधानसभा के लिए क्या क्या योजनाएं आपने जो विचार करके रखी है जनता को करेंगे उनकी सेवा? केशकाल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जीतना तय हो गया है, पब्लिक पहले से ही उनके ऊपर मुहर लगा चुकी है, इसलिए विजय हो चुके हैं। मुद्दे, कुछ मुद्दे रह गए हैं, छोटी मोटी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आने वाला समय में फिर से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और हम निश्चित रूप से छोटी मोटी जो भी विकास के मुद्दे जो गांव और आपके पारा टोला में नहीं हुई होगी, इन सब मुद्दों को हम लोग हल करेंगे और विकास के नाम से, चूंकि यहां पर विकास कार्य बहुत हुआ है और पिछले
पाँच साल में जो यहाँ का कांग्रेस का जो विधायक रहा है, इन मुद्दों को लेकर के उनके अंदर गंभीरता नहीं रही, संवेदनशीलहीन व्यक्ति रहे हैं और विकास को इन्होंने लक्ष्य बना करके कार्य किया नहीं। इसलिए इस बार यानी हमारे डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आप जहां भी जिस ओर भी दृष्टि पसार करके देखेंगे वहां विकास ही विकास, तक काफ़ी दूर दूर तक आप नज़र देखेंगे वहां विकास आपको दिखेगी। आपकी नज़र जहां तक नहीं पहुंचेगी वहां तक आपको बिजली है, वहां पे सड़कें हैं, वहां पर पुलिया है, वहां पे एजुकेशन सिस्टम है, सब कुछ मूलभूत सुविधाएँ यहाँ पर हैं। इसलिए हम केशकाल के लिए और भी कुछ जनहित में व्यक्तिमूलक परिवारमूलक ऐसी कुछ योजनाएँ होंगी तो उन मुद्दों को हम आने वाले समय में हम लोग चूँकि हम यहाँ केशकाल में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व और कोंडागांव जिले में दोनों सीटें हम लोग भाजपा के झोली में डालने जा रहे हैं, तो जो भी छोटे मोटे मुद्दे रहे हैं मेरे दृष्टि से ऐसा कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिसका निराकरण पार्टी हमारे सरकार के जो मुखिया हैं डॉक्टर रमन सिंह ना किए हों, और फिर भी ऐसी कुछ समस्याएं आएंगी उनके निराकरण के लिए हम लोग जागरूक जनप्रतिनिधि हैं और निश्चित रूप से हमको इसीलिए जनता के सामने जनता हमको सामने लाया है और मुहर भी लगना है, तो उन मुद्दों को हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। तो ये हमारे साथ थे केशकाल से।